हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ कढ़ी पकौड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। एक बाउल में बेसन और छाछ का घोल तैयार कर लें और इंग्रेडिएंट में हरी मिर्च और लहसुन को बारीक काट लें, कड़ी पत्ता और प्याज को छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लें और इन सूखे मसालों में हींग, जीरा, राई, मेथी और लाल सूखी मिर्च और अदरक को बारीक कूट लें। तेल को गर्म होने दें और जैसे ही गर्म हो जाए उसमें सूखे मसाले डाल दें और उनको ब्राउन होने तक पकाएं। और फिर हरी मिर्च और लहसुन डाल दें और इनको सुनहरा होने तक पकाएं। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर इसमें सूखी लाल मिर्चें तोड़कर डाल दें। मसाले को चलाते रहें, नहीं तो ये जल जाएगा। अब इसमें बारीक कटी प्याज भी डाल दें और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकने दें। अब इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर दें, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है कड़ी में डालने के बाद में। इसे मीठी नीम भी कहा जाता है। मसाले को चलाते हैं। अब हम इसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, आमचूर पाउडर और गरम मसाला अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। और मसाले को तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दें। मसालों को बीच बीच में चेक करते रहिए, नहीं तो वो नीचे लग जाएगा। अब मसाला पक चुका है, अब इसमें हम बेसन और छाछ का घोल ऐड कर देंगे और इसे कंटिन्यूसली चलाएंगे, नहीं तो छाछ फट जाएगी। अगर घोल गाढ़ा लगे तो इसमें और पानी ऐड करेंगे। इसे कंटिन्यूस चलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगी। हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। गैस को सिम कर देंगे और पकौड़ों की तैयारी करेंगे। बीच बीच में चेक करते रहेंगे कड़ी को कि कहीं ज्यादा गाढ़ी ना हो जाए। ये एक पैन में तेल गरम करने के लिए रख देंगे पकौड़ों के लिए और जैसे ही तेल गरम हो पकौड़े का जो घोल तैयार किया है वो इसमें ऐड करना शुरू करेंगे। और गैस सिम ही होना चाहिए, हाई फ्लेम पे होगा तो पकौड़े जल जाएंगे, अंदर से पकेंगे नहीं।
देखिए पकोड़े अच्छे से पक चुके हैं। अब इन्हें पलटते रहेंगे ताकि ये एक दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक जाए। पकोड़े रेडी हैं, अब हम इन्हें कढ़ी में ऐड करेंगे और अच्छे से कढ़ी को एक बार मिला देंगे ताकि पकोड़ों के अंदर तक कढ़ी चली जाए। हमारी कढ़ी रेडी है। रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो को लाइक।